Hello everyone, have you heard about any compound? What are these compound made up of? हम सब ने क्लास 9 में बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ा, लेकिन जब बात आती है ये सारे कंपाउंड्स किस चीज से बने हुए हैं तो एक नाम आता है एलिमेंट्स। हम सबको पता है कि अभी तक 118 एलिमेंट्स हैज बीन डिस्कवर्ड, लेकिन ये एलिमेंट्स कैसे डिवाइड हुए थे उसके बारे में हमें नहीं पता। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले तो एलिमेंट्स को कौन से बेसिस पे डिवाइड किया गया, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको डिवाइड किया और किस तरीके से उन्होंने अपने लॉ को पीरियोडिक टेबल पर अरेंज किया। तो चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले ये 118 मींस 118 एलिमेंट्स तुरंत नहीं हो गए थे। तो जितने भी एलिमेंट्स थे, सबसे पहले साइंटिस्टों ने उसको दो पार्ट में बांट दिया, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हो गई थी पूरी क्लासिफिकेशन, हाँ भाई मेटल्स भी है नॉन मेटल्स भी है। जैसे ही साइंटिस्टों को एक एक्सेप्शन मिला कि नहीं भाई, इस एलिमेंट में तो दोनों प्रॉपर्टी है, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, तो उसका नाम उन्होंने डाल दिया मेटलॉइड्स। धीरे 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 बहुत सारे एलिमेंट्स आने लगे, सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज आने लगे, मेटल्स का भी, नॉन मेटल्स का भी, मेटलॉइड्स उसके अलावा भी अलग अलग प्रॉपर्टीज। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, अब इस एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जब तक ये प्रॉपर वे में नहीं होगा तब तक किसी भी एलिमेंट्स का प्रॉपर वे में स्टडी नहीं कर पाएंगे। जस्ट सपोज कीजिए, आपके घर में आपके बहुत सारे ड्रेसेस, तो इसमें से एक स्कूल यूनिफॉर्म होगा, एक कैजुअल ड्रेसेस होंगे, एक ट्यूशन के लिए नॉर्मल होगा, एक फॉर्मल होगा, एक पार्टी वेयर ड्रेसेस होगा। तो हर ड्रेसेस को हम एक साथ तो नहीं रखते ना। जैसे मान लो किसी पार्टी ओकेजन में जाना है तो उसके लिए हम लोग बोलते नहीं उस बैग में हमारा वो कपड़ा रखा हुआ है वो पहन के चलते हैं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको कहा कि आपके कपड़ों का भी क्लासिफिकेशन है, नॉर्मल, फॉर्मल, पार्टी वेयर, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा, उसी तरीके से साइंटिस्ट्स ने जितने भी एलिमेंट्स आए उनका अलग अलग वे में उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। बहुत सारे साइंटिस्टों के क्लासिफिकेशन पर लिमिटेशंस लगे और फाइनली जाकर के एक डेवलप हुआ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले जानते हैं कौन कौन से वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना योगदान देकर के इस पूरे पीरियोडिक टेबल को बनाया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1829 डॉब्रेनर ट्रेड्स लॉ वॉज डेवलप्ड एंड दिस लॉ वॉज गिवन बाय जॉन वॉल्फगैंग डॉब्रेनर। इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को तीन तीन करके क्लासिफाई किया कि थ्री एलिमेंट्स विल बी इन वन ग्रुप, जिसमें से या पीरियड में उन्होंने कहा कि तीन एलिमेंट्स को करके हम पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला और तीसरा एलिमेंट्स का जो एवरेज होगा वो दूसरे का एटॉमिक मास होगा, पहले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास और तीसरे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, इस दोनों का जो एवरेज वैल्यू होगा, एवरेज एटॉमिक मास होगा, वो दूसरे नंबर के एलिमेंट्स का एटॉमिक मास होगा। तो इस तरीके से डॉब्रेनर ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया, कुछ हद तक वो सही गए, लेकिन फिर बाद में उनके लॉज में भी लिमिटेशंस आने लगे। जैसे उन्होंने आयरन, कोबाल्ट, निकेल इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो एवरेज एटॉमिक मास से ज्यादा एटॉमिक मास निकल रहा था, किसी का बहुत ज्यादा निकल रहा था। तो इस तरीके से डॉब्रेनर ट्रेड्स लॉ में लिमिटेशंस आ गए। उसके बाद आए न्यूलैंड्स, न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड्स का पूरा नाम
जे ए आर न्यूलैंड्स, इनका पूरा नाम था जे ए आर न्यूलैंड्स। 1865 में इन्होंने अपना लॉ दिया न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ, सारे गामा पाधा निसा। आप लोग भी म्यूजिक के बहुत बड़े शौकीन होंगे मुझे विश्वास है, तो म्यूजिक खास करके जो हमारा इंडियन क्लासिकल सिस्टम है जिसमें सबसे पहले हम लोगों को हारमोनियम सिखाया जाता है, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा ध नी एंड अगेन सा, मतलब ऐसा लग रहा है कि एट लेटर और फर्स्ट लेटर सेम है, सारे गामा पा ध नी सा। तो ये जो एट लेटर्स है तो इन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट के नीचे में उस एलिमेंट्स को डालना है जिसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। तो न्यूलैंड्स ने बहुत ही अच्छा आइडिया डेवलप किया और एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के आधार पर क्लासिफाई किया, और पहले के नीचे में जो एट एलिमेंट आया वापस से, मतलब दूसरा एलिमेंट, मतलब सात का एक ग्रुप सेवन बनाया और एट एलिमेंट को पहले के नीचे में रखा, पहला और आठवां एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम कर दिया। बहुत ही ज्यादा क्रांति लाया न्यूलैंड साहब ने और उनके ऑक्टेव्स लॉ ने बहुत बड़ी एक रिवॉल्यूशन पैदा कर दिया कि नहीं, न्यूलैंड साहब ने सही ढंग से पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया। लेकिन उस समय तक इनर्ट गैस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, फिर आया इनर्ट गैस। जैसे ही इनर्ट गैस आया तो न्यूलैंड साहब भी लिमिटेशंस में आ गए, उनकी जो पॉस्टुलेट्स थे वो भी लिमिटेशंस में आ गए। उसके बाद आए हमारे जो यंगेस्ट साइंटिस्ट जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। ये दिमित्री मेंडलीव 1869 में कुछ 92 एलिमेंट्स को लेकर के एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, और वो पीरियोडिक टेबल इतना ज्यादा ऐतिहासिक रहा कि उनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाएगा, मतलब he was the youngest scientist। और उस समय में दिमित्री साहब ने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने 8 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, हर ग्रुप में उन्होंने सब ग्रुप बनाया, ग्रुप 1A, ग्रुप 1B, ग्रुप 2A, ग्रुप 2B, इस तरीके से ग्रुप को सब ग्रुप में डिवाइड किया, और जितने लिमिटेशंस लगे थे डॉब्रेनर और न्यूलैंड साहब ने उन सारे लिमिटेशंस को लेकर के अपने पीरियोडिक टेबल में रख दिया, और उन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स के लिए भी स्पेस छोड़ दिए जो भविष्य में आएंगे तो वैसे एलिमेंट्स का स्पेस यहां पर होगा। तो मेंडलीव साहब ने एक बहुत ही बड़ी क्रांति उत्पन्न कर दी थी उस समय में पीरियोडिक टेबल में, और उनका क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल एक तरह से बहुत ही ऐतिहासिक रहा। लेकिन आप कह सकते हो बैड लक, उन्होंने भी कुछ चीजें छोड़ दी थी जो मेंडलीव साहब का लिमिटेशंस बना। उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में नहीं बताया एलिमेंट्स का कि कहाँ होना चाहिए, और एटॉमिक मास के आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया जो एक तरह से नहीं फिट बैठ रहा था। बहुत सारे कम एलिमेंट के एटॉमिक मास भी आगे आ जाते थे और पीछे चले जाते थे, जिस आधार पर उनका भी क्लासिफिकेशन बिगड़ गया, लिमिटेशंस में। उसके बाद आए लॉथर मेयर, वेरी ग्रेट साइंटिस्ट लॉथर मेयर। उन्होंने कर्व के थ्रू एलिमेंट्स को दिखाया कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जितने का ज्यादा होगा उसको पीक पे रखेंगे, जितने का कम होगा उसको नीचे रखेंगे, और इस तरीके से उन्होंने भी अपना कर्व वाला लॉ दिया, दैट वाज नोन एज लॉथर मेयर कर्व, इट वाज गिवन इन 1870। लेकिन इनका भी लिमिटेशंस आ गए कि ये कर्व में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कर्व के नीचे होना चाहिए, उन्होंने पिक पे रख दिया था और कहा भी था कि जिसका ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको टॉप पे रखेंगे। लॉथर मेयर साहब का भी लिमिटेशंस आ गए। तो अब आए लास्ट में हमारे मोस्टले साहब, जिन्होंने बाजी ही पलट दी। अभी तक जिस चीज पर साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन कर रहे थे उनका मेन पीरियोडिक फंक्शन था एटॉमिक मास, इन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट डॉब्रेनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव, इन सब लॉथर मेयर, इन सबका एजम्पशन रॉन्ग नहीं हो सकता। तो हेनरी ने क्या किया, इसने जोर दिया कि एटॉमिक मास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बेसिस के लिए। तो उन्होंने कहा
एटॉमिक नंबर इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियोडिक टेबल. मतलब अगर पीरियोडिक टेबल बनाना है तो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल को बनाना पड़ेगा. उन्होंने लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल बनाया. जिस तरह से मेंडलीव ने ग्रुप 1A ग्रुप 2A किया था, उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल को सब ग्रुप से सीधे ग्रुप में डिवाइड कर दिया. ग्रुप नंबर 1 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक टोटल 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स, और उस आधार पर उन्होंने पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया. और 1913 में ही हेनरी मोस्ले के साथ नील बोर साहब ने भी कुछ एटम्स के अंदर में जो ऑर्बिट्स होते हैं, ऑर्बिट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, इन दोनों ने 1913 में आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, नील बोर ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया. जो आजकल हमारे हाथों में पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो इसके 1-to-1 स्टेप्स में हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि डॉब्रेनर का पीरियोडिक टेबल लॉ क्या था, उसके लिमिटेशंस क्या थे. सिमिलरली न्यूलैंड्स के, सिमिलरली दिमित्री मेंडलीव के, सिमिलरली लॉथर मेयर, फिर हेनरी मोस्ले और नील. अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉब्रेनर ट्रेड्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशंस.